जरा सुन लें, वो कहते हैं जी हमारा बाहर जाना बहुत जरूरी है इलाज के सिलसिले में, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 3 दफा यहाँ के वजीर आला रह चुके हैं और यहाँ पर एक काम का अस्पताल नहीं है जहाँ पर उनके भाईजान का इलाज हो सके। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। नमाज के लिए जाना, डायग्नोसिस के लिए भी और इलाज के लिए बाहर जाना इंतहाई जरूरी है, बल्कि बगैर किसी ताखीर के। कराची से डॉक्टर शमसी को हमने नहीं, हुकूमत ने बुलाया, हुकूमत पंजाब ने, और वो आए और इस बोर्ड ने लिख कर दे दिया कि नवाज शरीफ की जो सूरत हाल है वो इस बात की मुतकाजी है कि इनको फिल फौर बाहर जाना चाहिए और बाहर से इलाज करवाएं, चाहे यूरोप से या अमरीका बॉस्टन से। ये उन्होंने एक मरतबा नहीं, कई मरतबा उन्होंने जुबानी भी बताया और लिख के भी दिया। अच्छा अच्छा, जब ये इक्तदार में थे तो तब ये क्या कहा करते थे, वो भी जरा सुना दें, फिर बट्टी साहब से और मलिक साहब से कमेंट लेते हैं। इस अस्पताल में, दुनिया के किसी भी शानदार तरीन अस्पताल में जो मरीजों के इलाज के लिए जो सहूलतें होती है वो इस अस्पताल में है। ये अजीम अस्पताल इसलिए है कि दुनिया के, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के किसी भी अस्पताल में बेहतरीन मशीनरी, बेहतरीन ब्लड टेस्टिंग लेबोरेटरीज, बेहतरीन डॉक्टर्स वो इस अस्पताल में मौजूद है। ये अजीम इसलिए है कि ये इलाज वही मुहैया कर रहा है गरीब आदमी को, जो कि अमीर तरीन अस्पताल को महंगे तरीन अस्पताल में इलाज मिलता है। ये कान्हा कान्हे का जो अस्पताल का इफ्तिताह है उसमें इन्होंने फरमाया ये दुनिया का आला तरीन अस्पताल है। ये कान्हा काछा है ना हमारे पास, वहां पे ये है कान्हा मेरे ख्याल में। तो भट्टी साहब, अब वो एकदम से फैसिलिटीज गायब होगी। अच्छा, मैं सिर्फ थोड़ा सा, आम शहरियों का जैसे इलाज होता है वो जरा नाजरीन देखिए कि ये भी अशरफुल मखलूक है।